स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपसे शेयर किया था कि किसी अनुबंध के लिए महत्वपूर्ण विशेषताओं में प्रस्ताव, स्वीकृति, स्वतंत्र सहमति, अनुबंध करने की क्षमता और अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रतिफल, कंसीडरेशन। आपको इस बात का पता है कि प्रतिफल हर अनुबंध में होता है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ माल की आपूर्ति करती है तो उसके बदले में दूसरी पार्टी उसको भुगतान करती है, यानी प्रतिफल होता है। अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी से, बीमा कंपनी से बीमा कराने जाते हैं तो बीमा कंपनी आपसे प्रीमियम चार्ज करती है और उसके बदले में आपको प्रॉमिस देती है कि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट या इन केस ऑफ द स्पेसिफाइड इंसिडेंट इंश्योरेंस कंपनी आपको भुगतान करेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि एक पक्षकार कुछ लेता है तो उसके प्रतिफल में दूसरा पक्षकार कुछ देता है, यानी एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन होता है। यह कह दीजिए एक पक्षकार कोई प्रॉमिस करता है तो दूसरा पक्षकार भी उसके बदले में प्रॉमिस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी पार्टी के पास कोई पेपर खरीदने गए तो उसने आपको पेपर सप्लाई किया, या कह दीजिए भविष्य में सप्लाई करेगा, पेपर सप्लाई करने का उसने वचन दिया और उसके बदले में आपने उसको प्रॉमिस किया कि आप उसका पेमेंट करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अनुबंध के अंतर्गत पक्षकार एक दूसरे को प्रॉमिस का एक्सचेंज करते हैं और प्रॉमिस के रूप के अंदर वो कंसीडरेशन का एक्सचेंज करते हैं, प्रतिफल का एक्सचेंज करते हैं। ऐसा कोई भी अनुबंध नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अनुसार जिसमें कि प्रतिफल नहीं हो। हर अनुबंध में कुछ न कुछ प्रतिफल होता है। अब प्रतिफल कम या ज्यादा हो सकता है, यह हो सकता है कि प्रतिफल एक कॉन्ट्रैक्ट में कम हो जितना नॉर्मली चार्ज किया जाता, रीजनेबल से कम हो या रीजनेबल से ज्यादा हो, लेकिन हर कंसीडरेशन में, हर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ न कुछ कंसीडरेशन होता है। पार्टी कुछ के कुछ लेने के बदले में कुछ दूसरी पार्टी को देती है। इसको हम कह सकते हैं क्विड प्रो क्यू, यानी आपने किसी से कुछ लिया है तो उसके बदले में आप कुछ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप उससे कोचिंग की कोचिंग प्राप्त करने का प्रॉमिस लेते हैं और उसके बदले में आप फीस पे करते हैं। उसी तरह से आप बहुत सारे काम जीवन में जो करते हैं उसके अंतर्गत आप कुछ रिसीव करते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ न कुछ पे करना पड़ता है, या तो प्रॉमिस पे करना पड़ता है या कुछ कंसिडरेशन पे करना पड़ता है। इसी को हम प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल किसी काम को करना भी हो सकता है, किसी काम को नहीं करना भी हो सकता है। प्रतिफल हमेशा ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी गाड़ी को चला रहे थे और किसी पार्टी का आपसे एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने से उस पर चोट आ गई और चोट आने के पश्चात वो पार्टी आपसे 5,000 रुपये कंपनसेशन मांग रही है, वरना कहती है कि कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करूंगा आपके खिलाफ। आप उससे एक कॉन्टेक्ट करते हैं कि नहीं, आप कोर्ट में केस फाइल मत कीजिए, मैं आपको 5,000 की जगह 6,000 रुपये दे दूंगी और आपके इस मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। तो किसी काम को करने के लिए कंसीडरेशन दिया जाए ऐसा नहीं है, किसी काम को नहीं करने के लिए भी कंसीडरेशन दिया जाता है। यानी कंसीडर प्रतिफल टू डू समथिंग या एब्सटेंट टू डू समथिंग हो सकता है, यानी किसी काम को करने से विरत रहने के लिए भी, आप विरत रहना भी एक प्रतिफल का हिस्सा माना जाता है। तो हर अनुबंध के अंदर, हर वैधानिक अनुबंध के अंतर्गत प्रतिफल होता है। प्रतिफल कम हो ज्यादा हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, प्रतिफल होता है। अब महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है प्रतिफल की, उसको हम डिस्कस करना चाहेंगे कि प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। प्रतिफल उसकी इच्छा पर होना चाहिए, वो क्या चाहता है उसकी इच्छा पर होना चाहिए। उसकी इच्छा के बिना आप में प्रतिफल आप दोगे तो वो प्रतिफल वैधानिक प्रतिफल नहीं कहलाएगा। प्रतिफल वही कहलाएगा जो कि उसकी इच्छा और उसकी सहमति पर आधारित हो। प्रतिफल ये जरूरी नहीं है कि जिसने प्रॉमिस किया है उसी को दिया जाए, उसके किसी एजेंट को भी दिया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी शॉपकीपर से कुछ खरीदते हैं, अब प्रतिफल आपको उसको पेमेंट न करके उसकी इच्छा पर उसके बेटे को आपने प्रतिफल का भुगतान कर दिया तो वो वैलिड प्रतिफल कहलाएगा। प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर किसी अन्य व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। प्रतिफल कुछ कार्य करने अथवा न करने का वचन भी हो सकता है। मैंने कहा था आपको कि प्रतिफल कंसिडरेशन में भी रिलेटिंग टू डू समथिंग और एब्सटेंट टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने आपके लिए कुछ काम किया, उसके बदले में वाई के लिए आपने कुछ काम किया, या एक्स ने आपके लिए कुछ काम नहीं किया और उसके बदले में आप उसको पैसा चुकाया,
तो ये भी प्रतिफल कहलाता है। प्रतिफल किसी काम को करने के लिए ही दिया जाए ऐसा नहीं है, प्रतिफल किसी काम को नहीं करने के लिए भी दिया जा सकता है। प्रतिफल भूत वर्तमान और भविष्य से संबंधित होता है। वर्तमान प्रतिफल, आप प्रेजेंट के अंदर कोई चीज किसी से खरीद रहे हो और बदले में उसको पैसा चुका रहे हो। भूतकाल में प्रतिफल, आपने एडवांस में पे कर दिया किसी का प्रतिफल और वर्तमान में माल खरीद रहे हो। भविष्य में प्रतिफल, आप वर्तमान में क्रेडिट में माल खरीद रहे हो और बाद में उसका पेमेंट करोगे। तो कंसिडरेशन मे बी इन प्रेजेंट, मे बी इन पास्ट, मे बी इन फ्यूचर। प्रतिफल कुछ अवश्य होना चाहिए, जैसा मैंने कहा था, देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट एग्जिट विदाउट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन रीजनेबल हो ये जरूरी नहीं है, रीजनेबल से कम भी हो सकता है या रीजनेबल से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगला है कंसिडरेशन मूल्यवान होना चाहिए, इट मस्ट बी वैल्यूएबल, सारवान होना चाहिए, इस मस्ट बी सब्सटेंशियल। ऐसा नहीं हो कंसिडरेशन कोई आशीर्वाद नहीं होता है, कंसिडरेशन उसके बदले में कुछ मूल्यवान सेवा या मूल्यवान प्रॉमिस आपने दिया हो वो प्रतिफल कहलाता है। केवल जो मूल्यवान वस्तुएं नहीं होती उसको हम किसी भी स्थिति में प्रतिफल नहीं मानते हैं। प्रतिफल लीगल होना चाहिए, लॉ की नजर में आईपीसी के अंतर्गत या अन्य कानून के अंतर्गत कोई प्रतिफल अगर अवैध रूप में चुकाता है तो वो प्रतिफल नहीं कहलाता। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने कोई माल खरीदा और बदले में उसने चोरी किया, सामान उसको दे दिया, तो ऐसी स्थिति में वो लॉफुल कंसिडरेशन नहीं कहलाएगा। प्रतिफल हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग होता है, ईच कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतिफल अलग अलग होता है। एक पार्टी से आपने चार डीलिंग की है तो चारों के लिए डिफरेंट तरह का प्रतिफल होगा। अब ये बात दूसरी है कि उस प्रतिफल का भुगतान आप एक साथ करें या अलग अलग तरीके से करें, लेकिन प्रतिफल हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग होता है। प्रतिफल निश्चित होना चाहिए, कंसिडरेशन मस्ट बी सर्टेन। सर्टेन का तात्पर्य यह है कि हर कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसिडरेशन है वो पहले से डिसाइड होता है। आप किसी वस्तु को बाय करते हैं तो उसका कंसिडरेशन डिसाइडेड होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपके जितना चाहे उतना दे दे, ऐसा नहीं होता है। कंसिडरेशन मस्ट बी सर्टेन। प्रतिफल संभव होना चाहिए, किसी भी अनुबंध का प्रतिफल ऐसा होना चाहिए जो कि पॉसिबल है। नॉन पॉसिबल जो कंसिडरेशन होता है, जो दिया जाना ही संभव नहीं है, वो प्रतिफल प्रतिफल नहीं कहलाता। कोई आदमी ये कहे कि आप मेरे लिए काम कीजिए, उसके बदले में मैं आपके किसी मरे हुए कुत्ते को जिंदा कर दूंगा, तो ऐसी स्थिति में प्रतिफल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इट इज नॉन पॉसिबल इवेंट्स। तो इसलिए पॉसिबल इवेंट्स ही कंसिडरेशन हो सकता है, नॉन पॉसिबल इवेंट्स कभी भी कंसिडरेशन नहीं होता है। तो मैंने आपको महत्वपूर्ण तत्व बताए कि क्या कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन से संबंधित क्या लीगल रूल्स हैं, इनको आप थोड़ा बुक्स में देखिए।